मैंने अपना एमएससी हॉर्टिकल्चर में 2007 2005 में नॉन यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मन में मैंने प्राइवेट जॉब का सोचा कि कुछ करूं मैं। फिर उसी दौरान मेरे को मशरूम इंडस्ट्री जो लालडू पंजाब में है वहाँ मैं एज ए मैनेजर 6 साल तक काम किया, 2012 तक वहाँ काम किया। उसके बाद फिर मैंने इस जगह में अपना व्यवसाय करने का सोचा कि मैं अपने लोगों के साथ जुड़ूं, अपने लोगों को रोज़गार दूं और उसके साथ जो मशरूम की खेती थी उसको बढ़ावा देने के लिए हिमाचल में, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए मैंने यहाँ 2012 से अब इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। तो 2012 से जब सोचा मैंने, उसके बाद थोड़ा सा उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उस टाइम मैंने ज़मीन या अपने आप 12 कनाल ज़मीन ली। तो उसके बाद फिर 2012 के बाद फिर मैंने 2-3 कंपनियों में काम किया एज ए मैनेजर। उसके बाद फिर मैं 2015 में जब मेरा लोन हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो फिर मैंने अपना यहाँ काम शुरू किया इसका बनाने का। तो स्मॉल स्केल से शुरू किया था उस टाइम, फिर धीरे धीरे मैंने इसको काम को बढ़ाना शुरू किया क्योंकि उसके साथ मेरे साथ फार्मर जुड़ गए, लोग जो है मेरे से यहाँ खाद लेने शुरू कर दिया और अपनी मेरी प्रोडक्शन यूनिट भी शुरू हो गई। उसके साथ साथ मेरे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत भी अनुदान राशि दी मेरे को, 30 लाख तक जो है अनुदान राशि उन्होंने धीरे धीरे चरणों में जो मैं बढ़ाता गया उसमें उन्होंने खाद इकाई में और ग्रोइंग जो इकाई है उसमें दोनों में उन्होंने सब्सिडी प्रदान की। लोगों को भी यहाँ रोज़गार मिलना शुरू हो गया और मेरे जो पर डे महीने के जो 20-25 लोगों को जो है लगातार जो है मैंने रोज़गार देना शुरू किया। मेरा मेन जो एम ये था कि मैंने सरकारी नौकरी नहीं की, कि यही था कि लोगों के साथ जुड़ के मैं किसानों को जो है मतलब उनको बढ़िया खाद दूं ताकि वो अपनी बढ़िया जो है इसके मशरूम की खेती कर सके। और धीरे धीरे वो जुड़ते गए। अभी मेरा प्लान जो है आगे और ज़्यादा इसको बढ़ाना है ताकि पूरे हिमाचल में जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान है इसकी तरफ जाएं। बहुत सारे बेरोजगार युवा है हमारे जैसे बद्दी में काम करते हैं, लेकिन अपना स्वरोजगार करें, अपने आप जुड़ें इस रोज़गार से। जो हम बोलते हैं खेती बाड़ी में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरीके से करें जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से अगर हम ये काम करें तो हम काफ़ी अच्छा जो है महीने एक महीने के जो हमारी कमाई है वो जो प्राइवेट नौकरी जो हम करते हैं घर से बाहर रखकर उससे अच्छी इनकम हम घर बैठे ही कमा सकते हैं। फैक्ट्री में काम करता हूँ जो हमारे घर के पास ही गांव में खुली हुई है और यहाँ पे सभी लोग गांव के लोग काम करते हैं और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ साथ में और यहाँ पे काम भी करता हूँ और मुझे यहाँ पे मेरी मतलब अच्छी तनख्वाह मिल जाती है और मैं जिससे कॉलेज में पढ़ता भी हूँ और पढ़ाई भी कर। कोरोना काल महामारी में भी इतनी बड़ी महामारी फैली हुई थी देश में जिसकी वजह से हमें घर के पास ही कार्य मिला हुआ था जिससे हम अपना घर का गुजारा अच्छी तरह से हो पा रहा था हमारा और कहीं हमें कार्य कोई भी काम करने के लिए दूर पार नहीं जाना पड़ा। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के द्वारा मैं भी कोई आगे जाके इस कार्य को सीख के मतलब इसी का उपयोग करके अपना कोई व्यवसाय खोल सकूँ। रोज़गार की जैसे मशरूम कंपनी खुली हुई है तो हमारे अखे बखे जड़े भी बच्चे लोग न अच्छा कमाते हैं, कने सारे की यही फायदा है कि रोज़गार खुले साढ़े सर ने, कने सारे की यही फायदा है कि अच्छी तरह से कमा दे ने, कने 8-9-10 हज़ार रुपया मिली आता महीने का, कने मेरे घर वाला पंग है मतलब कोई काम नहीं होता, कने बच्चे मेरे दो न कुड़ी भी जवान है 20 साल की मुंडा भी 12वीं च पढ़ा दा, तो खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था पर यह है कि साल हो गया मैं इस कंपनी ज्वाइन किए तो यह है कि मैं बड़ा फायदा होता। मैं हमारे जहाँ मशरूम का प्लांट खुला है और हमें यहाँ पर खूब रोज़गार मिला है, कोरोना महामारी के चलते हुए भी हमें यहाँ रोज़गार मिलता रहा और अपने बच्चों का पालन पोषण करते रहे हम। और मैं जहाँ पर 8-10 हज़ार रुपये महीने का कमा लेती हूँ इससे मेरे बच्चों का और मेरे घर बार का ठीक गुजारा हो रहा है और मेरे साथ साथ मेरे गांव की और भी महिलाएं जहाँ काम कर रही हैं और उनको भी अच्छा रोज़गार मिल रहा है। जब से ये प्लांट चला हुआ है हमको रोज़गार मिला हुआ है, 10-12 हज़ार रोज़गार भी मिल रहा है और अच्छा रोज़गार है। कोरोना महामारी चली है तब से भी हमारा पालन पोषण हो रहा था, हम बच्चों को पाल रहे हैं
कोई यहाँ इस गांव में कोई सुविधा न हो, ये हमारे को सुविधा मिली है और हम इस कारोबार को अच्छी ढंग से चलाना चाहते हैं और हमारे को अच्छी अच्छी प्रोग्राम जो होगी वो भी सारी सुविधा मिलेगी। जिला कांगड़ा में उद्यान विभाग खुम्ब उत्पादन के हेतु काफ़ी स्कीमों को उन्होंने धरातल पर उतारा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो सुनील दत्त जी एक महत्वपूर्ण एंटरप्रेन्योर बनके इस जिला में आगे बढ़े हैं। अग्रणी तौर पे ये खुम्ब की खेती कर रहे हैं और स्वरोजगार के माध्यम से इन्होंने और 25 लोगों को भी रोजगार दिया है। इसी प्रकार उद्यान विभाग ने जिला कांगड़ा में लगभग 30 बागवानों को प्रत्येक विकास खंड में इस योजना का लाभ दिया है, जिसमें हम बागवान बंधु को खुम्ब उत्पादन इकाई बनाने के लिए 8 लाख रुपये तक का अनुदान, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए 8 लाख रुपये तक का अतिरिक्त योगदान और लैब स्थापित करने के लिए 6 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करते हैं। वर्तमान में जिला कांगड़ा में लगभग 5 खाद बनाने की इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं और 30 प्रोडक्शन हाउस जो एसी संचालित होते हैं वो चल रहे हैं वर्तमान में। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पहनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे, आपके वेलकम में 4 चांद लग जाएंगे, आएंगे तो पसंद करके ही जाएंगे। ट्रेंडिंग, आरामदायक और किफायती सूट, शेरवानी और ब्लेजर्स, द ब्लेजर्स मनोहर सिंह एंड सन्स, लोअर बाजार शिमला। कितनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का माड़ या फिर दाल का पानी, ध्यान से देख है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो, घर में जो भी हो सब पकाओ, काढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए